हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज हम आए हुए हैं फन एंड सन वाटर पार्क गुरदासपुर में। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं और चलते हैं पार्क के अंदर। इस एंट्री पॉइंट पे चेकिंग की जाती है। बाहर से खाने पीने की कोई भी सामान अलाउ नहीं है, इसलिए आप कुछ भी सामान ना लाएं। और ये है पार्किंग एरिया, यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं अपने व्हीकल को। और इस विंडो से आपको लॉकर मिलेगा और कॉस्ट्यूम मिलेगी, ये है उसका प्राइस रेंट का। और एक बैंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ से अब एंट्री, और ये है वाटर पार्क का मेन एंट्री गेट। और हम हो चुके हैं वाटर पार्क के अंदर एंटर। और आप देख रहे हैं सामने बच्चे एंजॉय कर रहे हैं पूल में। और ये है बैम्बू ब्रिज जो कि बहुत ही शानदार बनाया गया है। अब चलते हैं हम इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या है इस वाटर पार्क के अंदर और इंजॉय करते हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए और पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इस वाटर पार्क में दो पूल हैं, एक बच्चों के लिए एक बड़ों के लिए। ये जो पूल देख रहे हैं आप यहाँ, ये बच्चों के लिए है। यहाँ पर छोटे बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, ये ज़्यादा गहरा भी नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं बच्चे किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। और ये जो पूल देख रहे हैं आप, ये बड़ों के लिए है। अब चलते हैं दूसरे पूल की ओर। और ये देखिए यहाँ पे वाटर स्प्रे फैन भी लगाया गया है ताकि गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। और इसकी ठंडी ठंडी हवा इस गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये है दूसरा पूल, ये एडल्ट के लिए है। ये जो दूसरा बच्चों का पूल है उससे ज़्यादा गहरा है। यहाँ पर भी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी स्लाइड्स हैं। अगर आप बच्चों के साथ वाटर पार्क में एंजॉय करने गए हैं तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिए और उन्हें अपने आंखों के सामने ही रखिए, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये है रेन डांस एरिया, यहाँ पे लोग खूब एंजॉय करते हैं रेन में भीग के। और ये है डीजे वाले, और ये खूब अच्छे अच्छे गाने लगाते हैं और खूब मस्ती इंजॉय करते हैं इनके सॉन्ग। बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं वाटर पार्क में, साथ में बड़े भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और इन्जॉय करना भी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी का ही सहारा है। जब भी आप आएँ ज़रूर आएँ इस पार्क में जो कि गुरदासपुर में है, फन एंड सन वाटर पार्क। आप देख ही सकते हैं छोटे हों या बड़े हों, सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस पार्क में। और इतनी गर्मी है और सामने पानी हो तो इन्जॉय करना तो बनता ही है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं ऊपर की ओर, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ है। वहाँ से जो स्लाइड नीचे की ओर आते हैं तो देखते हैं कैसा नज़ारा दिखता है वहाँ से। और ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे पार्टी वगैरह करते हैं लोग, या स्कूल से ट्रिप आता है तो यहाँ बच्चे बिठाए जाते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम होता है तो यहाँ पर खाते हैं बच्चे। और यहाँ से अब ऊपर की ओर जाएंगे, देखते हैं वहाँ से कैसे दिखती हैं स्लाइड्स। और ये देखो क्या नज़ारा है यहाँ से, सामने पूल दिखाई दे रहा है बड़े वाला। और ये हैं स्लाइड्स, और दोनों ही पूलों का नज़ारा दिख रहा है। वो सामने दूर देखिए, वो दूसरे वाला पूल है और यहाँ पे नीचे बड़े वाला। और ये हैं स्लाइड्स, और ये देखिए कितनी हाइट पे है ऊपर। और अब ये भैया यहाँ से एडवेंचर करते हुए जाएंगे नीचे को, ये
भैया के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जिन्हें डर लगता है वो ये चीज़ ना करें, क्योंकि सेफ्टी और सेहत ज़रूरी है। मस्ती करें पर सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। एंजॉय करना ज़रूरी है पर सेहत भी बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए किस तरह आ रहे हैं ऊपर से। और एक बात और, यहाँ पे जो सेफ्टी के लिए हैं लाइफ गार्ड, वो उनकी ड्यूटी यहाँ पे हमेशा रहती है। वो जैसे ही ऊपर से आती है राइड तो तुरंत उनको पकड़ लेते हैं, ताकि वो पानी के अंदर ना डूबें या गिर ना जाएं, चोट ना लगे, तो उनको तुरंत वो संभाल लेते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और वो अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से निभाते हैं। और तुरंत देखिए कैसे बच्चे को पकड़ के उन्हें साइड पर ले आए। सेफ्टी वाइज बहुत ही अच्छी जगह है, आप यहाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। और अब आपको वह जगह दिखाता हूँ जहाँ पे होती है पेट पूजा। तो चलते हैं इस कैफ़े के अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं कैफ़े के अंदर और सामने काउंटर है। अब वहाँ जाके मेन्यू में देख के कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर बैठ के भी खा सकते हैं या बाहर भी जाके खा सकते हैं पूल के किनारे। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप भी इस वाटर पार्क में पहले आ चुके हैं या आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अब हम कैफ़े से बाहर आ चुके हैं और पूल के किनारे फिर से देखिए लाइफगार्ड अपनी ड्यूटी पे हैं। उन्होंने सबको साइड पे कर दिया, कोई ऊपर से स्लाइड लेते हुए नीचे को आएंगे, काफ़ी फोर्सफुली भी आ सकते हैं। ये देखिए कितने फास्ट आए हैं, कितनी फोर्स से, तो इसलिए पहले ही लोगों को साइड कर देते हैं ताकि कोई आपस में टकराए ना। और ये देखिए ये तैर रहे हैं। इनका स्टाफ काफ़ी अच्छा है, जिनसे भी मैं मिला काफ़ी हेल्पफुल थे, बहुत अच्छी तरह बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा हमें और काफ़ी इन्जॉय किया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं अब घर की ओर। और फिर से उस बैम्बू ब्रिज के ऊपर से चलते हुए हम जाते हैं बाहर की ओर और वहाँ पे अपना लॉकर और जो भी सामान था वहाँ जमा करा के अपने मनी वापस लेंगे। यहाँ पे लॉकर की चाबी वापस जमा करानी होती है और जो हमने पैसे यहाँ पे डिपॉजिट कराए थे उन्होंने लॉकर का अपने चार्जेस लेके बाकी हमें वापस कर दिए। फ्रेंड्स हमने तो बहुत इन्जॉय किया वाटर पार्क में, और आपको यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्द ही। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए।